स्वागत है आपका satyahindi.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं आपकी मुलाकात करवाती हूं देश के बड़े न्यूज मेकर्स के साथ। आज हमारे साथ है तमिलनाडु सिनेमा की यानी कि साउथ इंडियन सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री और अब जो नेता बन चुकी हैं वो बीजेपी, उन्होंने ज्वाइन किया है अभी कल ही। और इसके पीछे क्या कारण है, आगे उनके क्या गोल्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, आज हमारे साथ है खुशबू सुंदर। आपका बहुत बहुत स्वागत है खुशबू। बहुत बहुत शुक्रिया नीलू। Always a pleasure talking to you, खुशबू। लेकिन जो पहला सवाल और इस समय इनफैक्ट पूरे देश के सामने यही सवाल है कि खुशबू सुंदर जो अभी तक बीजेपी और प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी आलोचक थी, हमेशा उनकी आलोचना करती थी, आज ऐसा कुछ चंद दिनों में ऐसा क्या हो गया कि आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया? कुछ दिनों में नहीं, इनफैक्ट थोड़े वक्त से मेरे दिमाग में ये बात हो रही थी क्योंकि हम ऑपोजिशन में थे और ऑपोजिशन का काम सिर्फ यही होता है कि जो भी सरकार करती है उसके नुक्स निकालो, उनके उनकी कहीं ना कहीं खोट ढूंढ ढूंढ के निकालो, और ना भी हो तो एक ऐसा प्रभावी तौर का एक दौर जमा कर दो जहाँ पे लोगों को यकीन हो जाए कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है। तो उस ऐसे माहौल में थी। लेकिन जब 128 करोड़ के जो हमारी तादाद के लोग हैं इस हिंदुस्तान के, जब वो इस बात पे पूरा यकीन करते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी वो देश को आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए हमने देखा कि 2014 हो या 2019 हो और अभी तक सिर्फ उनकी एक ग्रोथ ही हमने देखी, एक बढ़ाव देखा है, एक लहर जो उठती है वो इतनी बड़ी लहर देखी है। शायद ही इतने सालों में हिंदुस्तान ने इतनी बड़ी लहर एक पर्टिकुलर लीडर की देखी हो। लेकिन तो खुशबू, ये आप, मतलब जी आप आपके अगर ट्वीट्स देखें तो ऐसा लग रहा है कि जो अब आपका ट्विटर हैंडल है उसे सैनिटाइज करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी टिल लेट अक्टूबर अक्टूबर 8th का एक मैं आपका ट्वीट पढ़ रही थी जिसमें बीजेपी और जेडीयू को आपने कहा है कि जो बिहार शेल्टर के जो रेप विक्टिम थे मंजू वर्मा, उनको कैसे बीजेपी ने टिकट दे दिया, यू लंबास्टेड बीजेपी ओवर देयर। देन आपने ईडी और आईटी और सीबीआई के बारे में बोला है कि दे आर द डोर कीपर्स ऑफ बीजेपी। उसके बाद आपने प्रधानमंत्री के ऊपर भी कटाक्ष किया है जो चाइना की जो पॉलिसीज हैं उसको लेकर। तो ये जो लगातार आपके जो कटाक्ष बीजेपी पर चल रहे थे और अचानक से एक दिन सुनाई पड़ता है कि खुशबू सुंदर इज क्विटिंग कांग्रेस एंड ज्वाइनिंग बीजेपी, तो वो जो ट्वीट्स हैं, ट्वीट्स के पीछे एक आइडियोलॉजी होती है, वो आज आपने कैसे बदल ली? आइडियोलॉजी नहीं बदली, पार्टी बदली है। आइडियोलॉजीज हमारी ऐसी होती है कि जो हमारे दिल से लगी हुई है हम दिमाग से सोचते हैं, लेकिन आप सब एक बात भूल जाते हैं कि मैं ऑपोजिशन में थी, एंड जब तक ऑपोजिशन की नेशनल स्पोक्स पर्सन रही 6 साल, तो जब हम ऑपोजिशन में रहते हैं तो हमारी फर्स्ट एंड प्राइम ड्यूटी होती है कि जो पार्टी रूलिंग है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उसको हम किसी ना किसी तरह से उसको तोड़ मोड़ करें, उसके बारे में हम बात करें। ट्विटर बहुत इजी प्लेटफॉर्म हो चुका है, सारे जो ट्वीट्स हैं मेरे में ये नहीं, मैंने ये भी कहा कि बीजेपी वाले 2 रुपया लेके ट्रोल करते हैं, वो ट्वीट भी मेरा ही है, तो मैं कोई भी ट्वीट से पीछे नहीं हट रही हूँ ये कह के कि अरे वो मेरा नहीं था, वो तो एडमिन संभाल रहा था, तो एडमिन संभालता था इसलिए मुझे पता नहीं कि ट्वीट पे क्या जाता, वो मेरे लफ्ज नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू गो बैक, आई एम करेजियस एनफ टू से दैट दोस ट्वीट्स वर डन बाय मी। एंड जब इंसान जो करता है वो ओनरशिप लेने की हिम्मत रखता है, मतलब उसको आगे बढ़ने का पूरा हक है। आपके गट्स पे खुशबू, आपके गट्स पे मुझे कोई भी डाउट नहीं है, बिकॉज आई हैव बीन सीइंग यू एज अ वेरी गट्सी वुमन, एज अ रैबिड एंड अ प्रोग्रेसिव पर्सन, आई हैव नोन यू सिंस इयर्स। और वो चाहे 2005 के आपके जो व्यूज थे किसी फिल्म को लेकर, या प्री मैरिटल सेक्स की आपने बात कही हो, या किसी भी इशू को लेकर आप देखिए, तो अगर मैं आपकी आइडियोलॉजी को एज अ जर्नलिस्ट अगर मैं डिफाइन करूँ तो मैं यही बोलूंगी कि आइडियोलॉजिकली यू माइट बी सिंपल बट यू आर एन अग्रेसिव वर्कर। Now what I'm not able to understand is कि अगर एक aggressive worker को कांग्रेस ऐसी पार्टी में जगह नहीं मिली, आपको लग रहा है, आपने सारे अपने तमाम इंटरव्यूज में बोला है कि आपको सफोकेशन महसूस हो रहा था क्योंकि जितने भी बड़े लीडर्स थे वो आपको काम नहीं करने दे रहे थे, तो जो मेरा सवाल ये है कि अगर आप कांग्रेस में काम नहीं कर पाई तो आज आपको क्या उम्मीद है कि बीजेपी वाले आपको काम करने देंगे? बीजेपी से आपको उम्मीद क्यों नजर आ रही है? आप देख लीजिए ना, आपकी बीजेपी लीडर्स जो है, कौन सा बीजेपी लीडर इससे पहले लोगों के सामने था? हमारे तमिलनाडु के जो आज बीजेपी चीफ मिस्टर एल मुर्गन है, आप उन्हीं को देख लें,
किसी को नहीं था कि वो बीजेपी लीडर बने, उनके बारे में सुना भी नहीं था. वो एक ही इज इन हिज 30s यंग गाय, एंड किसी को ये एक हल्का सा इल्म भी नहीं था कि कोई ऐसा आदमी आ जाएगा जो तमिलनाडु का बीजेपी चीफ बनाया जाएगा, वो भी इस वक्त जब 2021 में बहुत जरूरी हो जाता है बीजेपी के लिए कि अपना एक प्रभाव यहाँ पर किसी भी तरह से बनाना है. लेकिन एक हार्ड वर्कर है, बैकग्राउंड में रहे हैं, हमारे इतने सारे सीनियर लीडर्स यहाँ पर हैं बीजेपी के, लेकिन जस्ट उनकी जो मेहनत और उनकी जो पार्टी ने देखी, पार्टी हेड ने देखी और उनको उठा के यहाँ पर बिठा दिया कि भैया यू टेक योर स्टेट फॉरवर्ड. हमारी जो पास्ट बीजेपी प्रेसिडेंट रही हैं तमिलसाई सुंदरराजन जी, 5 साल वो बीजेपी की प्रेसिडेंट रही हैं. यहाँ पर प्रेसिडेंट होने के बावजूद बीजेपी पिछले 5 साल में हमने देखा कि किस तरह से बीजेपी हारी है. एक बार उनको एक बायपोल में नोटा से भी कम वोट मिले हैं, लेकिन बीजेपी ने उनको उठा के फेंका नहीं, बीजेपी ने उनको 5 साल अपना टर्म कंप्लीट करने दिया. कंप्लीट करके बोला कि नहीं, यू आर केपेबल, सो वी आर मूविंग यू टू तेलंगाना एज अ गवर्नर. जरूरत नहीं है, हम पूरी तरह पूरे देश में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारे लीडर्स हैं उनको लाए बिना, जो बहुत ही बैकग्राउंड में काम कर रहे हों, जो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसे लोग वो फ्रंट में आ जाएंगे. लेकिन सिर्फ वहां पर जो हम देखते हैं कि जहां तक कांग्रेस का सवाल है, हर बार सिर्फ एक रिकमेंडेशन और अपनी एक टीम बना के रखी हुई है. जो हमारी क्रिकेट की सुपर 14 होती है, उन्होंने सुपर 9 और 11 की टीम बना के रखी है, और हर हर एक ग्रुप ने अपनी अपनी टीम बना के रखी है कि बस उनको बढ़ावा देना है. पार्टी को बढ़ाना किसी की नहीं है. तो जब मैं बीजेपी में जाती हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी मेहनत और मेरी लगन देख के एक वो मुझे फ्रीडम दी जाएगी कि मैं काम करूं. मैंने सिनेमा में रहने के बावजूद, मैंने मतलब सिनेमा में रही हूँ इसलिए आज तक मैंने फेम, आज तक मैंने पूरा सक्सेस, फ्रंट पेज न्यूज, क्या कहते हैं आप, ब्रेकिंग न्यूज, and even a temple built in my name, I have seen it all. I have made enough of money on my own that I can sit back and relax. So coming into politics is not about name, money, fame. I have seen all. We need to do something for the country. वो एक जज्बा रहता है कि हमें देश के लिए कुछ करना है. और जब एक पार्टी में आप रहते हो, ये उम्मीद लगा के कि हमें काम करने का मौका दिया जाएगा, because और कोई उम्मीदें नहीं है हमें पार्टी से, और कोई उम्मीदें नहीं है, सिर्फ यही उम्मीद है कि हम पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं. लेकिन खुशबू, आपको रोकूंगी 2 सेकंड के लिए, क्योंकि जब आपने 2010 में डीएमके ज्वाइन किया तो आपने काफी सारा वहां पे काम किया, और जो भी कारण था, आपने 2014 में कांग्रेस ज्वाइन किया, और जिस समय कांग्रेस आपने ज्वाइन किया तो मुझे याद है आपका जो एक स्टेटमेंट था उस समय का, आपने ये कहा कि इट्स अ सेक्युलर पार्टी एंड देयरफॉर आई एम मोर अलाइन टुवर्ड्स इट एंड आई एम अलाइन टू अ सेक्युलर आइडियोलॉजी एंड दैट्स एग्जैक्टली द रीजन व्हाई आई एम ज्वाइनिंग कांग्रेस. आज वो आइडियोलॉजिकली वो चीजें डिफरेंट कैसे हो गई? जस्ट बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू वर्क इन कांग्रेस, वॉज दैट द मेन रीजन यू आर क्विटिंग कांग्रेस? No, Nilo. In fact, I've said very clearly that my ideologies remain the same. I've changed the party. I have not changed my ideologies. I'm not a changed person. My outlook has changed a bit. I have evolved in this six years since I joined Congress. I've learned more about politics. I've learned more about how people are in politics. You're in a place, जगह पर हैं जहाँ पर आपने 6 साल पूरा मन लगाव, उन पसीना, वक्त सब देखे. 6 साल आपने मेहनत की, कन्याकुमारी से लेके दिल्ली तक, अंडमान से लेके बिहार तक, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, केरला, मतलब हर एक नुक एंड कॉर्नर यू वर्क हार्ड. एंड फाइनली व्हेन यू क्विट, हमारे लोकल जो टीएनसीसी प्रेसिडेंट हैं यहाँ के कांग्रेस के, वो कहते हैं कि आफ्टर ऑल शी वाज जस्ट एन एक्ट्रेस. सो ये जो सोच जो उन्होंने मुझे खाई है, मेरा जो पार्टी छोड़ने पर जो मेरी जो तकलीफ है मुझे हुई, और जो 6 साल में मैंने, स्पेशली पिछले 4 सालों में मैंने जो बेइज्जती और तकलीफें मैंने देखी इस पार्टी में, उन्होंने कल जो ये स्टेटमेंट दिया कि वो तो हमारे लिए सिर्फ एक एक्ट्रेस थी, शी वाज मेरली एन एक्ट्रेस टू अस, वी नेवर लुक्ड एट हर एज अ लीडर, इट रीअफर्म्स माय फेथ दैट आई हैव डन माय सेल्फ अ जस्टिस बाय क्विटिंग कांग्रेस.
because I do not want to be part of a area where people think that a woman is after all a woman and she is merely an actress. So मुझे वो सोच में मैं वहाँ पर नहीं हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि I have taken the right decision. खुशबू, what you're saying has lot of merit और मैं उसको बिल्कुल उस चीज को नकारूंगी नहीं, लेकिन मुझे मेरा सवाल है कि आपने बीजेपी के कई नेताओं को देखा जो कि बहुत ही एंटी वुमन साउंड करते हैं. यू योरसेल्फ हैव ट्वीटेड अगेंस्ट हाउ बीजेपी एमपी राजवीर सिंह जो हाथरस के जो रेप के अक्यूज थे वो उनसे जेल में मिलने के लिए गए, उस पर आपने ट्वीट भी किया कि आप चाय पीने वहां पे क्यों गए, ऐसा आपका ट्वीट भी था. तो आप देखिए कि जो बीजेपी के जो एमपीज हैं वो ओपनली जाकर अगर रेप अक्यूज से मिल रहे हैं, so doesn't it send out a message that there is a kind of an anti-woman sentiment? उस चीज को आप कैसे रोकेंगी? आप योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपने कितने ट्वीट्स किए हैं जहां पर जिस समय ये सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे, आपका मैं टाइमलाइन उठाकर देख रही थी, there is not a single day where you have not raised a banner of revolt against Prime Minister Narendra Modi or Yogi Adityanath or for BJP for that matter. So how do you undo all that? I don't undo anything. I'm not going to delete any of my tweets. I'm not going to undo anything, Nilu. I'm not going to back off. But my argument is as simple as that. I was doing a duty as the spokesperson of an opposition party, whether I like it or not. I am there in a position where I have to show my loyalty, my 100% determination for working towards my party. And I think I have done with a complete 200% justice to that. There have been times जब मुझे probably बिल्कुल ये लगाव नहीं था कि इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए. जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन के आए, उनकी फैमिली लाइफ के बारे में काफी चर्चे उठे थे कि उन्होंने झूठ बोला. फिर कांग्रेस की तरफ से ये लाइंस थी कि जो अपनी बीवी को नहीं संभाल सकता वो देश को कैसे संभालेगा. I've never tweeted then. मुझे यही था, मैंने पार्टी मेंबर से भी वही कहा कि मियां बीवी के झगड़े में क्या प्रॉब्लम होता है, दोनों क्यों बिछड़ते हैं, सिर्फ मियां बीवी जानते हैं और कोई तीसरा आदमी नहीं जानता. यू डोंट हैव टू टच हिम ऑन दोस लाइंस. आप पॉलिटिकली उनको टारगेट करो, दैट इज परफेक्टली फाइन, बट आप उनको किसी भी तरह से उनकी पर्सनल उनकी निजी जिंदगी में हमें एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू 100% ऑन दिस कि निजी जिंदगी में बात करने से कोई फायदा नहीं है पब्लिक डोमेन में, एंड आई कंप्लीटली एग्री विद यू ऑन दिस. बट माय क्वेश्चन अगेन टू यू इज कि जो लार्जर इश्यूज है बीजेपी के, जैसे कि देखा जा रहा है कि वो वेजिटेरियनिज्म को ज्यादा एस्पाउज करते हैं. आपका एक इंडिया टुडे का एक इवेंट था 2017 का, मेरे ख्याल से शायद दो साल पहले का, जिसमें कि आपने ओपनली इस बात को कहा है कि मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, मैं बिंदी लगाऊं, मैं सिंदूर लगाऊं, ये किसी का पर्सनल prerogative hai, not that leaders from BJP are going to tell you whether you should wear a bindi, whether you should put a sindoor or not. But you have seen, I mean, like BJP say leaders time and again, you know, they have come out and spoken in favor of these things, and they have tried to put leashes on women ki theek hai aapko kya pehenna chahiye, aapko kya odhna chahiye, kya khana chahiye, whether you should be eating beef or not. To aisi party mein aapka survival, all the best to you. I'm sure you'll have a great innings. But जिन्होंने आपको क्लोजली देखा है वो उनको यही लग रहा है और मुझे भी खासकर यही लग रहा है कि आपका सर्वाइवल बीजेपी में होगा कैसे? आप देखते हैं ये डेफिनेटली होगा. मैं कहती हूँ हर पार्टी में इस तरह के लोग रहते हैं. हम यहाँ पर तमिलनाडु में हाथरस के बारे में इतनी बातें कर रहे थे, यहाँ पर एक 12 साल की छोटी बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ था, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था. उसके बारे में कांग्रेस में थी उस वक्त, कांग्रेस ने उसके बारे में बातचीत नहीं की, उसको नहीं उठाया. हालांकि तमिलनाडु में हुआ था. जब यहाँ पर हम एक प्रोटेस्ट कर रहे थे हाथरस के लिए, तब एक 18 साल की लड़की के माँ बाप, जिसको जो लड़की को ब्लैकमेल किया जा रहा था, उसके माँ बाप यहाँ पर चेन्नई में साइदापेट हाई कोर्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे. लड़की के माँ बाप अकेले प्रोटेस्ट कर रहे थे चेन्नई में, लेकिन हमारी पार्टी ने एक आवाज तक नहीं उठाई. हाथरस पे इसलिए इतनी बात उठी क्योंकि उसमें बीजेपी गवर्नमेंट है. What I gather, I mean, I'm getting a sense from what you're saying that if Congress has not raised an issue like this, so all said and done, all parties are the same, whether it was DMK, especially in your context, DMK bhi wahi nikli jisne aapko kuch nahi diya, Congress bhi wahi nikli jo aapko kuch nahi de pai, aur ab BJP se aapko bahut sari umeedein hain ki BJP aapko aage badhane mein madad karegi. To कहीं ऐसा ना हो कि 3 या 4 साल बाद आप फिर से रिग्रेट करें या सोचे कि मैंने क्यों वो पार्टी ज्वाइन की.
अच्छा आप कह रही हैं कि मुझे आगे बढ़ाएंगे, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसे कैसे आगे बढ़ाएंगे? मेरी तो आगे बढ़ने की सोच नहीं है कि मुझे आप इलेक्शन लड़ा दें, मुझे कहीं भेज दें, मुझे एक पावरफुल पोजीशन दे दें। मैंने तो ना में वो डिमांड रखी थी, ना कांग्रेस में वो डिमांड रखी, ना बीजेपी में। अगर आप जो डिमांड रख के एक पार्टी में जाते हैं तो वो आपकी डीलिंग हो जाती है, तब आप एक दबाव में रहते हो कि भैया मैंने जो मांगा था मुझे मिल गया, तो अभी जो वो कहेंगे वो मैं करूंगी। तो क्योंकि आपने बीजेपी, आपने खुशबू बीजेपी क्यों ज्वाइन किया? इज इट ओनली बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, दैट वाज द सोल रीजन व्हाई यू ज्वाइन बीजेपी, या बीजेपी की जो कोर आइडियोलॉजी है और जो उसका लार्जर एजेंडा है आप उससे इत्तेफाक रखती हैं? it will take me a little time to learn completely about BJP. It's a new party to me. To be very honest, मैं नहीं कहूंगी कि मैं बीजेपी की पूरी हिस्ट्री जानती हूँ। ऑफकोर्स आई नो अबाउट श्री दीनदयाल उपाध्याय जी, आई नो अबाउट मुखर्जी जी, ऑल दैट, श्याम प्रसाद मुखर्जी, ऑल दैट आई नो, बट आई एम सेइंग इट विल टेक मी टाइम टू रीड द हिस्ट्री ऑफ बीजेपी। मैं उस तरफ बिल्कुल मुझे डेफिनेटली इस पार्टी को और ज्यादा समझने में, मैं बीजेपी में आई हूँ तो उसके सोल रीजन आई विल डेफिनेटली गिव द क्रेडिट टू द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि मैं जिनके खिलाफ इतनी रही हूँ, लेकिन मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा है कि उन्होंने पार्टी को और पार्टी मेंबर्स को कैसे आगे बढ़ाया है, किस तरह से पार्टी को आगे ले जा रहे हैं। अगर मेरा मेरा आर्ग्यूमेंट इतना ही है कि अगर 128 करोड़ के लोग उनको बार बार उन पर यकीन रख सकते हैं, तो उनमें कुछ तो ऐसी बात है जो सही है। कोई मुझसे सवाल पूछ रहा था कि आपने उनके बारे में उनके 56 इंच चेस्ट के बारे में आपने उस वक्त बातें की थी, तो वो क्या हुआ? आई सेड मुझे आपने खुद को ट्वीट पता भी नहीं, किए तो थे प्राइम मिनिस्टर के 56 इंच के बारे में, आपने ट्वीट्स भी बहुत सारे किए। वो तो मैं ऑपोजिशन में थी, मुझे खुद को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि उनकी चेस्ट 56 इंच है नहीं है। सिर्फ जो आदमी उनके सूट तैयार करता है, कुर्ता पजामा तैयार करता है, सिर्फ उसी को पता है कि उनकी 56 इंच की चेस्ट है नहीं है। वो तो हम लोग ऑपोजिशन में है, एक टैगलाइन बनता है रोज सुबह, एक टैगलाइन हो जाता है कि आज क्या टैगलाइन होना चाहिए, आज क्या ट्रेंडिंग में होना चाहिए, एंड वी हैव टू टेक दैट फॉरवर्ड। सो वी जस्ट टेक इट फॉरवर्ड, डू आवर ड्यूटी एज अ अपोजिशन मेंबर्स ऑफ द पार्टी। बट आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स आई थिंक जाना मेरे लिए जरूरी हो जाता है कि मैं सही कर रही थी या गलत। एक कॉन्शियस जो आपकी है वो कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी जगाती है, और उस मेरी कॉन्शियस Sorry, लेकिन बोलिए। बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म भी है, क्योंकि आपको जो अपॉर्चुनिटी कांग्रेस में नहीं मिली अब वो आप उस अपॉर्चुनिटी को बीजेपी में तलाशने की कोशिश कर रही हैं, तो इज इट नॉट टैंटमाउंट टू पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म? इट वुड हैव बीन वेरी इजी फॉर मी टू स्टैंड इन 2011 इलेक्शन फॉर डीएमके, और 2014 आई वाज डायरेक्टली एक्सेसिबल टू द देन पार्टी लीडर लेट डॉक्टर कलिंगर। Okay, I had such a good reputation in that party, तो मैं तो आराम से बोल सकती थी कि भैया मुझे 2011 में टिकट दे दो, या 2014 में मुझे लोकसभा जिता दो। जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया, when the Congress had been defeated, when the Congress was defeated so badly, decimated in 2014, मैंने नवंबर में ज्वाइन किया, and सभी लोगों ने कहा मुझसे कि यार आप तो डुबती नाव में कूद रहे हो, लेकिन एक भरोसा था कि प्रॉबेबली जो हम शुरू से पढ़ते आए हैं कांग्रेस के बारे में पढ़ते आए, हमने लीडरशिप देखी है, इंदिरा गांधी जी की लीडरशिप देखी है, जवाहरलाल नेहरू की देखी है, राजीव गांधी जी की देखी है, तो एक था कि चलो कुछ अलग सा होने वाला है, और हमारा दिमाग सिर्फ एक ही तरफ का चलता रहता है हमेशा। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू रियलाइज दिस इज नॉट द पार्टी व्हिच एक्चुअली क्लेम्स टू बी, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस इन इट। एंड जब उस वक्त आपकी कॉन्शियसनेस, इनफैक्ट जब मैं पार्टी में गई तो मैं तो बोल सकती थी भैया देखिए आपकी डुबती नाव में मैं कूद रही हूँ, मैं डूबना नहीं चाहती हूँ, तो 2016 के इलेक्शन में मुझे जिता दो या 2019 में मुझे जिता दो। मैंने दोनों वक्त डिमांड नहीं रखी, लेकिन मुझे आपने एक ऐसे समय में बीजेपी ज्वाइन किया है जब कुछ ही महीने बचे हैं तमिलनाडु के इलेक्शंस के, और बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट्स ऐसा सोच रहे हैं इन तमिलनाडु एंड ऑल्सो आउटसाइड तमिलनाडु एट द मोस्ट खुशबू सुंदर कैन मेक अ डिफरेंस ऑफ से अबाउट 2 or 3 votes. Would you really agree with that? Because the political fabric of Tamil Nadu, if you look at it, it's restricted to regional parties like DMK and AIADMK. How are you going to make BJP acceptable? All said and done, Prime Minister is a popular figure. Undoubtedly, he's quite acceptable. But are you really hopeful that BJP can make inroads into Tamil Nadu? A lot of people have their doubts. It's going to be a very different election, Nilo, because you don't have the prime two leaders people of Tamil Nadu used to.
यू डू नॉट हैव डॉक्टर कलिंग, यू डोंट हैव मैडम जयललिता. ये दोनों जो हमारे तमिलनाडु के बहुत ही बड़े लीडर्स माने जाते थे, दोनों आज हमारे बीच नहीं है. तो उनके बाद पहली बार तमिलनाडु में एक इलेक्शन वाला है जो दो नए चेहरे देखने वाले हैं. AIDMK has announced EPS as a prime minister candidate. DMK, it's done without saying that Stalin is going to be the prime minister. Chief minister, my apologies. So EPS is the chief minister candidate. Here Stalin is going to be the chief minister candidate. We need to see how people are going to react. It is going to be a very different election for the first time in Tamil Nadu. जो इससे पहले probably 45 या 48 साल बाद इस तरह का एक इलेक्शन देख रहे हैं. मैं कह रही हूँ कि बीजेपी ने जिस तरह से अपना ग्राउंड वर्क किया है, मुझे पूरी उम्मीद है. एंड रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, गिव अस टाइम. सो वेयर वी हैव गिवन यू नो बोथ द द्रविड़ियन पार्टीज इन तमिलनाडु सो मेनी इयर्स टू ग्रो, वी हैव गिवन 70 लॉन्ग इयर्स फॉर कांग्रेस टू ग्रो इन इंडिया. वी आर जस्ट 6 इयर्स ओल्ड नाउ. तो क्या मैं ये मान के चलूं खुशबू, तुम्हें क्या ये मान के चलूं कि मैं क्या तमिलनाडु की अगली चीफ मिनिस्टर से बात कर रही हूं? और इज इट समवन होम वी आर गोइंग टू सी प्रोबेबली एट द सेंटर एज अ मिनिस्टर, एज अ कैबिनेट मिनिस्टर विद इन द बीजेपी? व्हाट हैज बीजेपी एक्चुअली प्रॉमिस्ड यू कि आपका इतना अडिग विश्वास बीजेपी में है आज? नो प्रॉमिसेस, देयर आर नो फॉल्स प्रॉमिसेस मेड. आई डू नॉट बिलीव इन प्रॉमिसेस व्हिच वी कैन नॉट कीप, एंड आई एम ग्लैड दैट द बीजेपी हैज नॉट मेड एनी प्रॉमिसेस टू मी. Because the minute you make promises, then you know that अरे यार promise तो कर रहे हैं लेकिन ये करेंगे या नहीं करेंगे. वो एक जो हम कहते हैं, एक जो doubt हमारे दिल में आता है वो थ्रू आउट चलता रहता है. फिर वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में चलता है, यार मैं इतना कर रही हूँ, उन्होंने promise किया था, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं. There were no promises. आपको मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि आपको उन्होंने ऐसा क्या प्रोमिस किया है जो आप कह रहे हैं कि नहीं, मुझे उम्मीद है कि they will stand by what they have promised. There are no promises. Okay. And I'm glad there are no promises. I'm very glad that but it's so unbelievable. Khushbu, you also know, we all know as senior journalists that what happens in politics, it's all about backroom maneuvering, backroom talking, backroom negotiations, which are not meant for the camera. But a lot of things are meant behind the camera. So how do you really convince yourself? I don't convince myself. I'm not here to convince anybody. I'm clear. I'm very clear. My conscience is clear. People who have known me know me that I'm very candid. I'm very honest. I'm very open about it. If there's a problem, I talk about the problem. If there is a deal, I talk about the deal. If there's no deal, there's no deal. Period. Okay. So what you, so you would like आपको लेकिन अब problem नहीं होगी योगी आदित्यनाथ के साथ platform share करने में? अगर आपको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बोलते हैं कि आप जाइए योगी आदित्यनाथ के साथ platform share करिए, तो आपको उसमें problem नहीं होगी? बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम होगी. इनफैक्ट पॉलिटिक्स में ना कोई कहावत होती है, सेम योगी आदित्यनाथ whom you have lambasted even for Hathras rape case just in way back October से ए लास्ट वीक तक. जब तक क्योंकि मैंने उनको ब्लास्ट किया था, लंबास्ट किया था, जब तक उनको तकलीफ नहीं होगी तो मुझे नहीं होगी. तकलीफ उनको होनी चाहिए कि यार आई हैव टू शेयर अ डाइस विद समबडी हु हैज बीन सो क्रिटिकल अबाउट मी. अगर उनको कोई एतराज नहीं है तो मुझे नहीं है. लेकिन मैं कहूंगी कि पॉलिटिक्स में ना कोई आपका परमानेंट दोस्त है ना कोई परमानेंट दुश्मन है. एंड पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है कि बातें होती रहती है कि ये पहली बार खुशबू सुंदर हिंदुस्तान में या दुनिया में पहली बार एक ऐसी औरत है या ऐसी पॉलिटिशियन है जिसने पार्टी बदली है. रोज लोग पार्टी बदलते हैं लेकिन उनके बारे में बातें नहीं होती है. आई डोंट नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट मी दैट इट्स अ नेशनल न्यूज, इट्स अ नेशनल डिबेट दैट आई हैव at least I'm a newsmaker. But you know, Nilu, I would like to actually thank the people who said that I might make a maximum or difference of 2 or 3 votes. I mean, that is huge. Even a single vote can change the government, can topple a government. So if I can bring in those 3 votes to BJP, I think I have arrived. I will really be very, very happy if I can bring in those 3 votes to my party. Right. बट खुशबू, आपको भी पता है और आपने देखा भी है बीजेपी की जो फंक्शनिंग है कि बहुत ज्यादा आपकी जो वॉइस है, ठीक है, सुनी जाती है लेकिन दबे स्वरों में सुनी जाती है. आप जितने भी मंत्री हैं आप उन्हें देख लीजिए, उनकी बहुत ज्यादा हिम्मत नहीं है कि बहुत ज्यादा वो खुल के कोई बातें एक्सप्रेस कर सके. और ये बातें मैंने खुद से महसूस की है. व्हेन यू गो आउट एंड इंटरव्यू द कैबिनेट मिनिस्टर्स, दे आर नॉट रेडी टू बी वेरी ओपन अबाउट सर्टेन इश्यूज. तो ऐसे सिनारियों में जो कि हम होता हुआ देख रहे हैं,
will you be able to express yourself? And I hope you don't feel suffocated. No. I think वही मैं कह रही हूँ, सारे जो doubts आप मुझसे पूछ रही हैं, ये सारे doubts actually बीजेपी को पूछना चाहिए, मेरी पार्टी को पूछना चाहिए कि इतनी क्रिटिकल रही है, will you be comfortable with her coming to the party with this kind of a mindset? तो ये सवाल मुझसे ज़्यादा logical statement actually. आप जो कह रहे थे, I'll be comfortable sharing a stage with Yogi Adityanath. I would say that 2005, the people who stood outside my house and you know created a problem for me where I couldn't even take my daughter to the hospital because I was in a party which was affiliated with inke saath, maine unke liye bhi camp kiya hai, us party ke liye bhi maine probably half hearted kiya hoga lekin kiya hai. I've given all to it, meri marzi ke khilaf hua hoga lekin hamare affiliation mein hai, hamare alliance mein hai, isliye maine पूरा मन लगा के मैंने वो पार्टी के लिए मैंने मेहनत की. तो पार्टी में कोई पॉलिटिकली कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता. अच्छा, एक दो सवाल और करूंगी इसके पहले कि मैं इस इंटरव्यू को रैप अप करूं. बीजेपी तो ठीक है, बीजेपी इज स्टिल अ लिटिल बेटर, बट व्हेन यू कम टू डूइंग अ बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन बीजेपी एंड व्हाट आरएसएस थिंक्स, जो कि उनके पेरेंट आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आप कैसे अपने आप को बैलेंस करेंगे? बिकॉज नाउ व्हेन यू से दैट यू कैन ओपनली टॉक अबाउट प्रीमैरिटल सेक्स, जिसके व्यूज ऑलरेडी वायरल हुए, उस पे केसेस चले, एंड यू केम आउट ऑफ इट एज अ विनर, यू स्टिल हैव वेरी प्रोग्रेसिव व्यूज व्हिच समहाउ डोंट फिट विद इन द आइडियोलॉजिकल फैब्रिक ऑफ आरएसएस, उसमें आप कैसे फिट इन होंगी? आरएसएस के लिए तो आप बिल्कुल अनटचेबल हैं, मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने आपको इतने सालों से देखा है, तो उसमें कैसे आप एक्सेप्टेबल बनाएंगे अपने आप को? नहीं नीलू, वही मैं कह रही हूँ कि ये जो सवाल मुझसे किए जा रहे हैं, ये सारे सवाल चाहिए उनसे पूछे जाने चाहिए कि उनकी सोच अलग है, उनका बात करने का ढंग अलग है, उनका कहने का ढंग अलग है, वो बहुत ही प्रोग्रेसिव है, तो वो आपके ब्रैकेट में कैसे फिट होंगी, ये सवाल उनको पूछना चाहिए. अगर आपको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या अमित शाह जी का एक फोन आता है कि खुशबू जी आप कृपया करके नागपुर जाइए, और नागपुर जाकर आपको 3 दिन वहां पे लेसन्स लेने हैं, और उन लेसन्स में आपको ये बताया जाएगा कि नहीं, आपको बिंदी के खिलाफ नहीं बोलना है, आपको सिंदूर के खिलाफ नहीं बोलना है, आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या प्री मैरिटल सेक्स के बारे में बातें नहीं करनी है, तो आपका जवाब क्या होगा? मैं तो बिंदी हमेशा लगाती हूँ. प्रॉब्लम तो यहाँ है कि बिंदी लगाओ तो प्रॉब्लम, बिंदी ना लगाओ तो प्रॉब्लम, वो मेरा डिसीजन है कि लगाना है नहीं लगाना. बिंदी लगाओ या नहीं लगाओ मेरा डिसीजन है, मैं नखत खान हूँ या नहीं, वो आपका डिसीजन है, लेकिन आरएसएस के लोग आपको उस समय ये बोल सकते हैं कि नहीं, आरएसएस की सोच ऐसी नहीं है. कुछ नहीं, मैं इनफैक्ट अगर मुझे कहा जाएगा कि आप आरएसएस जाइए, 3 दिन वहां रुकिए, प्रचारक के साथ बैठ के आप बातें कीजिए, थोड़ा सीखिए, आई विल से वेल एंड गुड, एक लर्निंग एक्सपीरियंस. मैं यहाँ जब इस पार्टी में आती हूँ एक स्टूडेंट की तरह आती हूँ कि मुझे सीखना है, और हर एक जिस दिन आप सोचते हो कि सीखना मैं बंद कर दूं, मुझे सब आता है, मतलब दैट्स द एंड ऑफ द रोड, मुझे सीखना है. शुरुआत में आपसे कहा कि मैं पार्टी में नहीं हूँ, और मुझे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ के सीखना है. मैं बहुत मेरी सोच अलग रही है इस पार्टी के बारे में, मैं ज्यादा हिस्ट्री मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन मुझे सोचना है. एक इंसान है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी के भरोसे पे मैं इस पार्टी में आई हूँ, क्योंकि उनको मैंने देखा है किस तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के बारे में मुझे थोड़ा सीखना. आपने कहा कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे पे आई हैं, और ये जाहिर सी बात है, और ये सबको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको सुनने के लिए हमेशा अवेलेबल नहीं होंगे, एंड इन दैट केस यू विल हैव टू इंटरैक्ट प्रोबेबली विद द पार्टी प्रेसिडेंट, विद अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स, जिनके व्यूज से आप बहुत ज्यादा अग्री नहीं करेंगे हमेशा, एंड व्हेन प्राइम मिनिस्टर इज ऑलवेज नॉट एक्सेसिबल फॉर यू, सो इन दैट सिनेरियो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? I have to speak to the other party members. When I say that उनके भरोसे पे does not mean कि मुझे हर वक्त मैं दिल्ली जाऊँ बोलिए कि हाँ जी भैया प्राइम मिनिस्टर फ्री हैं चलो मैं मिल लेती हूँ. बिल्कुल नहीं. I understand that अगर प्राइम मिनिस्टर से होगी तो अगली मुलाकात के लिए वक्त लगेगा. I am not a cabinet minister, not even a big role in the party कि मैं बोलूँ प्राइम मिनिस्टर से मिल सकती हूँ. वो तो मैं कांग्रेस में भी सोनिया जी से प्रेसिडेंट है तो मैं जब दिल्ली पहुंचू उनसे मुलाकात करूँ, ऐसा नहीं होता. किसी भी पार्टी में हमारे कडार जो होते हैं, मैं अपने आप को एक पार्टी का मेंबर समझती हूँ, कडार समझती हूँ, वो भी आज मैंने कल पार्टी ज्वाइन की तो रॉक बॉटम कडार. तो मैं बोलूंगी कि चलो मेरी
हैसियत मैंने अपनी बना के रखी है, इसलिए मुझे इतना बड़ा वार्म वेलकम मिला है पार्टी में। लेकिन उसके लिए जब भी मैं दिल्ली जाऊं, मैं कहूं कि भैया मुझे प्रधानमंत्री से मिलना है, तो बोलते हाँ भैया आने के लिए बोल दो। डेफिनेटली दैट्स नॉट पॉसिबल। आई हैव टू स्पीक टू द लोकल पार्टी मेंबर्स, आई हैव टू दिल्ली द लीडर्स देयर, एंड इट्स वेरी क्लियर दैट प्रोबेबली इवन the first ranked minister may not be available, a leader may not be available for a conversation, but that's perfectly fine. I mean, you don't get into the party. Ek bharosa jab kehte hain ki insaan is desh ke liye kya karega, ek jo party hoti hai wo party is desh ke liye kya karegi, us bharose pe chalte hain. आपका एक और ट्वीट था जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए आपने लिखा था, वो बहुत पॉपुलर हो गया, जिसमें आपने लिखा कि जो प्रधानमंत्री मोर को खाना खिला सकते हैं वो गरीबों को नहीं खिला सकते। एंड एग्जैक्टली टू कोट यू सेड, अ प्राइम मिनिस्टर हु कैन फीड द पीकॉक्स कैन नॉट फीड द पुअर। नाउ which means that your larger thinking is that probably the prime minister cannot feed the poor. Your larger thinking might be that the BJP as a party is not doing what it should do to the poor. What is the way ahead now? Again, I keep forgetting that I was part of an opposition. I was doing my duty to work as an opposition. We are given duties by the party in the mornings that this is what you have to do, and that is how we work, that is how we take the day forward, that is how we trend a hashtag. क्योंकि जो बीजेपी के जो कोर आइडियोलॉजिकल इश्यूज है, अगर आपसे आज कोई बोलेगा कि बीजेपी इज ऑल फॉर हिंदुत्व, व्हिच यू हैव आल्सो मेंशन्ड इन योर प्रीवियस ट्वीट्स दैट बीजेपी इज अ पार्टी व्हिच एस्पाउसेस हिंदुत्व आइडियोलॉजी है उनकी, तो अगर आज आपसे बीजेपी के हिंदुत्व के बारे में बोलेगी, एंड यू बीइंग ऑफ अ सेक्युलर माइंड, यू आर रेडी विद राइटिंग अबाउट हिंदुत्व आइडियोलॉजी, उस पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? I'm married to a Hindu, a devout Hindu who fast on every Thursday, who prays to Murugan every Thursday, who swears by Lord Murugan. So that's your personal life. That's your personal life, Khushbu. I'm talking about the political leanings. I'm talking about the political agenda of Hindutva. I am not against Hindus. My argument will be simple. If the party says, like if the opposition says that BJP is only about Hindutva, okay. So my argument is the opposition party only about minorities. They don't want Hindu votes, okay. They don't want the Dalit votes, they don't want any other casteism votes. Are only for the minorities. If the opposition says that BJP is only for Hindutva, so let the opposition say that we are only for minorities and we don't care a damn about Hindu votes. Are they ready to say that? Okay. At least BJP is not hypocritical. BJP is not hypocritical about it. We are not hypocrites here. I have supported BJP when there was an abolishment of triple talaq. I supported BJP. When it came up with NEP, I supported NEP, despite being in opposition. I have tweeted all the things about Narendra Modi ji also. Please look into that. I have tweeted. I've seen those tweets where you have supported the Prime Minister as well. लेकिन मेरा आखिरी सवाल खुशबू ये है कि अब जो आने वाले महीने हैं, obviously focus तमिलनाडु पर रहेगा, लेकिन are you ready to go to Bihar also as on the campaign trail and campaign for the party? आप क्या बाकी states में भी जाएंगी या your focus is only going to be तमिलनाडु? I leave it to the party. I think party feels that me being a multilingualist mere liye bahut bada plus hai. So agar party chahegi ki main Bihar jaun ya baki koi states jaun main aur election campaign ke liye main wahan par kaam karu, so I would really think that it's a great opportunity which is given to me. I would like to thank the party leadership for trusting so much of faith. Okay, wish you all the best, Khushbu. It was a pleasure talking to you as always. और चलिए अब तमिलनाडु में आपसे मुलाकात होगी. मुझे याद है पिछले elections में मैं आई थी और आपका interview भी किया था. So see you again in Chennai. Thank you so much. सत्य हिंदी के और videos को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे notification पाने के लिए बेल आइकन दबाएं.